जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अरे यश बेटा, ये सारा सामान तू खुद क्यों लेकर आ रहा है? घर में इतने सारे नौकर हैं, उन्हें कह देता वो ले आते। Come on, Mom, अपना ही तो काम कर रहा हूँ और इतने भी भारी नहीं है, और आपका छोटा बेटा इतना भी नाजुक नहीं है। पता है। डिनर रेडी है। शिव के साथ डिनर करने के लिए तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। एक तू ही है जो रोज टाइम से डिनर पर आ जाता है। अच्छा जा, जल्दी से फ्रेश हो जा। तेरी फेवरेट सिंधी कढ़ी बनाई है मैंने। शिव को कॉल कर लेती हूँ, देखती हूँ कहाँ रह गया ये। सुबह उस लड़की ने माँ के कान भरे और अब तुझे मेरे खिलाफ बताई। माँ, हाँ, आज आप किसी लड़की से मिली जिसने शिव भाई के बारे में आपसे कुछ बात की और आप एकदम से रो पड़ी? कौन सी लड़की? पता ना बात क्या है? मैडम को घर की याद आई गई। उठाओ। चल ना बैठ के बात करते हैं। आजा। मामा। Guess what? इंडिया वापस कौन आ रहा है? टीना तू पर। तो फाइनली मेरी प्रिंसेस अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया वापस आ रही है। फाइनली एग्जाम फिनिश, शॉपिंग डन। ये देखो मैंने आप सबके लिए कितनी सारी शॉपिंग की है। इतनी सारी शॉपिंग? इतना सारे बैग्स? इनमें से कोई मामा जी का भी बैग है या नहीं? अरे क्या मम्मा, तीन बैग्स तो होंगे ही ना। पहले यहाँ तेरी अलमारी भरी पड़ी है, अब इतने सारे बैग्स कहाँ रखेगी? अरे यार मम्मा, आप ना अपने एक्स्ट्रा कपड़े डोनेट कर देना मेरे आने से पहले, फिर मैं अपना पुराना स्टाफ उधर रख दूंगी। अरे ये टीना की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे जल्दी आइए, आपकी लाडली का वीडियो कॉल आया है। ओ, मेरा टीनू, मेरा बच्चा। आई बुआ जी, हाय, मैं आ रही हूँ आपको जोर से हग करने। जल्दी से उड़ के वापस आ जा। और सुन, मेरी वो क्रीम ले आना। क्रीम, कपड़े, शूज, हैंडबैग सब कुछ ले लिया। अगर और कुछ चाहिए तो अभी बता दो, मैं ड्यूटी फ्री शॉप से ले लूंगी। ओके बाय नाउ। एंड मम्मा, मैं आपको मेरी फ्लाइट की डिटेल्स भेज रही हूँ, आप एक्स्ट्रा कार भिजवा देना, क्योंकि मेरे लगेज के साथ साथ डिंपल दीदी, रणदीप जीजू और मेरे रॉकस्टार मामा भी तो है। Can't wait to see you guys. तुम लोगों के बगैर ना ये घर बहुत काटने को दौड़ता है, सच। और जब तेरे शिव भाई को पता चलेगा ना कि तू आ रही है तो पागल हो जाने। हाँ। उसकी प्रिंसेस और उसके फेवरेट मामा जो आ रहे हैं। No, बुआ जी और मम्मा, शिव ब्रो को कुछ भी मत बताना, ये उनके लिए एक सरप्राइज है, प्लीज। एसबी की बच्ची वाईबी की कोई वैल्यू नहीं है, और मेरा सरप्राइज का है? एसबी इंपॉर्टेंट है, मैं तो तेरा एक्स्ट्रा भाई लगता हूँ ना। यश ब्रो, आपके लिए तो मैं खुद आ रही हूँ ना, आपको और क्या चाहिए? अम्मा, आप शादी के दौड़ रेडी रखो, हमारी प्रिंसेस हुई पराई, अब हम बजाएंगे शहनाई। परजाई जी, यश बिल्कुल ठीक कह रहा। परजाई जी, परजाई जी, क्या हुआ? मैं जानती हूं परजाई जी, अब किस सोच में पड़ गई फिर से। बंदिया तू मोड़ के ना जा,
उनकी बैटरी को भी अभी खत्म होना था। पापा ये कसली परीक्षा है, बाबा से बात तो करवा देते। लो परचाई जी, मैं पूरे घर में घूम रही थी आपको ढूंढते ढूंढते, और आप यहाँ हो। क्या हुआ परचाई जी, आप ठीक हो? शिव के बारे में सोच रही थी ना, अब आप पूछोगे कि मुझे कैसे पता? उम्र निकल गई आपका चेहरा पढ़ते पढ़ते। तो क्या करूं शशि? बैठो। परचाई जी बताएं कि ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल रहा आपको? मेरा शिव सबसे बड़ा बेटा है घर में, और शादी ब्याह का नाम सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है, मुंह मोड़ लेता है वो, अपने पापा से बहुत नफरत करता है वो, अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। पर शशि, मेरे बच्चे ने छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी जिंदगी देख ली है। मैं सोचती हूँ कि पता नहीं उसकी जिंदगी में शादी ब्याह लिखा भी है या नहीं। परचाई जी, बिल्कुल लिखा है। मैं जानती हूँ कि शिव की शादी को लेकर आप हमेशा टेंशन में होती हो, इसलिए ना मैं शिव की कुंडली अपने साथ लेकर आई हूँ। ये देखिए, चौथे घर में पाँव फैला के बैठा हुआ है लग्न। मतलब आप तो अब टप्पे पालो, कुड़ी तो ऑलरेडी आ चुकी है हमारी शिव की जिंदगी में। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।